हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर्स डे। मैं हूं प्रदीप सिंह और जैसे मेरे सामने आप देख रहे हो, ये है सुजुकी की एवरेज जो कि लेटेस्ट एंट्री है और आज हमें बहुत दिनों बाद देखने को मिल रही है क्योंकि लॉन्च हो गया था पिछले महीने ही, लेकिन हमें देखने में अब जाके मिली क्योंकि लॉट जो है नया बनता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, इसलिए 2022 के अंदर इसका जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन के आ गई है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले बात करें तो इसके लुक के बारे में, तो यहाँ पर लुक जो है बहुत ही अच्छा दिख रहा है इसका। वैसे एक नज़र में आपको ज़रूर ऐसा लगता होगा कि TVS की जो एंटॉर्क है उससे थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर काफ़ी जो है एग्रेसिव आपको चीज़ें एलिमेंट देखने को मिल रही हैं, आपको दिखाता हूँ एक एक करके। तो यहाँ पर अगर आप पहले देखें तो ये जो आपका ऊपर का जो हेड पूरा वाइज़र है यहाँ पे, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, स्पोर्टी रिफ्लेक्टर है, ये काफ़ी शार्प आ रहे हैं। यहाँ पर जो टर्न इंडिकेटर्स हैं ये हेलोजन दिए गए हैं, ये जो है LEDs नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में खूबसूरती है फ्रंट की, काफ़ी अलग ही बना रहा है, ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी कोई आँखें बनाई गई हों एक अच्छे खासे कार्टून करेक्टर के, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पीच में आएंगे तो ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश का पूरा पैनल देखने को मिल रहा है और साइड में आपको रेड देखने को मिल रहा है, रेड कलर वाली है, कलर ऑप्शन बहुत ज़्यादा है इसमें। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पर जो हेडलैम्प है ये बहुत अच्छी देखने को मिल रही है, ये है LED यहाँ पर डे टाइम रनिंग लाइट जिसे आप बोले, देखने में बहुत अच्छी लगती है और ये काफ़ी ब्राइट है, ऐसी बात नहीं है, छोटी सी है लेकिन ये काफ़ी ब्राइट है और एंगुलर है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मडगार्ड जो है काफ़ी अच्छा साइज़ का दिया गया है और ये जो है अलॉय व्हील्स दिए गए हैं विद दी डिस्क ब्रेक्स और ये जो है करीब 12 इंच के हैं और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है साथ में। और यहाँ पे साइड में अगर हम बात करें तो ये जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिलने वाला है आपको। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी जो है कट्स एंड क्रीजीज आ रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स है जैसे 3D पैनल्स वगैरह, यहाँ पे जो है रिफ्लेक्टर दिया गया है, बहुत अच्छी बात है ये कि रिफ्लेक्टर दिया गया था सेफ्टी पर्पज़ के लिए। और मेनली अगर मैं साइड प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर इस स्कूटर का बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्पोर्टी है, जैसे मैंने बताया कि कट्स एंड क्रीजेस में अलग से ही कलर देखने को मिल रहा है। इवन मैं यहाँ पर पहले आपको लुक दिखाता हूँ फिर बाकी चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो साइड प्रोफाइल है यहाँ पर भी आपको जो है ग्लोसी ब्लैक फिनिश देखने को मिल रही है और यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर SEP की जो है बैजिंग दी गई है, सुजुकी इको परफॉर्मेंस, और ये इसका जो है आपको फुटरेस्ट दिया गया है, काफ़ी इंटीग्रेटेड है, अंदर चला जाता है तो ये नज़र में भी नहीं आता अगर बंद हो तो, और एलिमेंट्स देख ही रहे हो आप। और ये एवनीस की बैजिंग वो भी 3D में दी गई है और ये ब्लैक में है, ग्लोसी ब्लैक फिनिश में, ये बहुत ही अलग देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट जो पीछे आएंगे तो ये भी कट्स एंड क्रीजेस काफ़ी अच्छे हैं और यहाँ पर आपको ये सीट्स भी काफ़ी वाइड देखने को मिल रही हैं, बहुत ही वाइड सीट्स हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर जो है एक्सटर्नल फ्यूल लाइट दी गई है, मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ आगे, लेकिन यहाँ पे जो ग्रैब हैंडल्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और पीछे की जो टेल लाइट है ये बहुत अलग देखने को मिल रही है, बहुत ही अग्रेसिव आ रही है। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे दो ब्रेक, मतलब ये जो जलती रहेंगी लाइट्स और बीच में जो ब्रेक मारेंगे तो बीच वाली यहाँ पे चालू हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छा इफेक्ट दिखा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जैसे पहले बताया TVS Ntorq से मिलता जुलता जरूर है, लेकिन आपको जो है डेफिनेटली एक फ्रेश लुक यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब मैं आगे चीज़ें दिखाता हूँ यहाँ पर और भी कुछ खास है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें इसी की, यहीं पे ही आपको अच्छा खासा पॉकेट साइज़ देखने को मिल रहा है और यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ये लाइट इल्यूमिनेट हो रही है क्योंकि इसके अंदर ना आपको USB सॉकेट मिल जाएगा। मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, ये दिया गया है USB सॉकेट और यहाँ पर ना आपको, मैं आपको और भी चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको जो है एक अलग से पॉकेट दी गई है अपना कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, ये जो है की नॉब दी गई है, यहीं से जो है काफ़ी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो, सीट खोल सकते हो और ये नॉर्मल आपको शटर का और हुक दिया गया है तो जाके आपकी ग्रोसरीज़ की जो भी सामान होगा वो यहाँ से आप कर सकते हो। और ये है इसका मेन डिस्प्ले जो कि मिलती जुलती है इसकी बर्गमन सीरीज से और यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेक देखने को मिल रहा है, 10x10 नेविगेशन है, कॉल्स देख सकते हो कौन कर रहा है, तो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कनेक्टेड दी गई हैं जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। सुजुकी की बैजिंग जो कि काफ़ी प्रीमियम लग रही है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इसके स्विचेस पैनल है जो कि कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन हाँ देखने के मामले में ठीक है, क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है।
यहाँ पर जो है इसके अंडरनीथ स्टोरेज के बारे में, तो यहाँ पर जो है स्टोरेज में काफ़ी अच्छा यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिलेगा, काफ़ी बड़ा है, आसानी से जो है बड़े हेलमेट यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, एक तो आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको टूल किट और ये मेडिकल किट देखने को मिले। हाँ, लाइट कोई नहीं दी गई अंदर, लाइट पड़ल लैम वगैरह नहीं है। और ये इसका एक्सटर्नल फ्यूल लीड है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कैसे खुलता है ये। पहले इसके बारे में बात कर ही लेते हैं, जो कि खुलता है यहाँ से, जैसे दिख रहा है ये चाबी लगाई और ये खुल गया। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, क्योंकि यहाँ पर ना आप उतरेंगे फिर फ्यूल डलवाने के लिए, जो कि इसका मुझे मोटिव जो है थोड़ा सा सही नहीं लगता। लेकिन हाँ, अब बात करें इस इंजन के बारे में, तो ये जो है 125 सीसी का इंजन है, जो कि वही सेम पावर निकालता है जो कि एक्सेस निकालती है, 8.7 पीएस की पावर, और लगभग जो है 10 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और इस एवनीस का जो वेट है वो लगभग दिया गया है 106 केजी का कर्व वेट दिया गया है, जो कि काफ़ी हल्का है। और इनफैक्ट जो कि एग्जॉस्ट मफलर भी है काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ग्लोसी बैक फिनिश वहाँ पर भी है, क्योंकि मुझे लगता है इसकी लाइट वेट के इसके जो पर्पस है इसका, उससे ये गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छा हो सकता है। और बस यहाँ पर यही है, और यहाँ पर जो स्विचेस वगैरह की क्वालिटी भी काफ़ी ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने ये चीज़ क्लियर करी दी है। और कलर ऑप्शन के बारे में बात करें, तो यहाँ पर एक तो ये रेस एडिशन है, पीछे जो है ग्रे वाला दिया गया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा, और इसी का प्राइस जो है 1000 रुपये ज़्यादा है, मैं आगे बताता हूँ क्या है। और यहाँ पर आपको एक और कलर देखने को मिलेगा, जो कि ग्रे और ग्रीन फिनिश में दिया गया है। तो फाइनल बात करें कि यहाँ पे जैसे आपने कलर ऑप्शन देख लिए, तो यहाँ पर जो है इसका प्राइसिंग जो है वो लगभग दिया गया है 87,500 का, जो कि इस रेस एडिशन का है जैसा आप देख रहे हो। लेकिन हाँ, नॉर्मल वाली का 1000 रुपये सस्ता है, कुछ ज़्यादा सा वो नहीं है। लेकिन हाँ, इसका प्राइसिंग भी काफ़ी ठीक रखा गया। ये जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये एक्चुअल में जो सुजुकी जो है वो यंगर ऑडियंस को, यानी यंगर जो कि बायर्स हो उनको टारगेट कर रही है, इसीलिए जो ये मॉडल है काफ़ी स्पोर्टी और काफ़ी अलग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे जितने भी स्कूटर हैं मार्केट में उनसे काफ़ी हटके देखने को मिल रहा है। हाँ, थोड़ी सी आपको लुक जरूर जो है एनटॉक से मिलती जुलती है, लेकिन हाँ, ये जो है स्कूटर पर्टिकुलरली जो है यंगस्टर्स के लिए बनाया गया। और ये पहली कोशिश नहीं है, सुजुकी की तरफ से एक स्विश भी आती थी जो कि थोड़ी सी स्पोर्टी करेक्टर की दिखती थी, लेकिन हाँ, ये उससे बेटर है, ये उससे ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। डेफिनेटली जो ये एवनीज है वो आपको बेटर देखने को मिल रही है दूसरी स्कूटर से, और देखने के मामले में भी काफ़ी अच्छी है। और हाँ, इसका जो कंपटीशन आप ज़रूर जो है ग्राजिया से बोल सकते हो, ग्राजिया से ये कंपटीशन कर सकती है होंडा की। तो ये थी हमारी वीडियो जो है सुजुकी एवनीज के ऊपर, कैसी लगी आपको बताना जो कमेंट सेक्शन में। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन भी दबाना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस ड्राइव।